सो ए टू जेड अपडेट्स में आपका स्वागत है दोस्तों। सो मैं आज आपको हस्क्वर्ना की स्वार्ट पिलन 125 सीसी के इंडियन लॉन्च प्राइस और स्पेसिफिकेशन के बारे में बताने वाला हूँ। सो वीडियो को स्टार्टिंग से एंड तक जरूर देखेगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सो गाइस, बात करूँ स्वार्ट पिलन 125 सीसी के बारे में। सो हाल ही में यूरोपियन मार्केट में ये बाइक अनवील की गई है और उसका लॉन्च उसी में यूरोपियन मार्केट में होने वाला है। सो गाइस, हो सकता है कि ये वाला मॉडल अभी इंडियन मार्केट में भी आ सकता है, क्योंकि मैंने ही अभी कुछ दिनों पहले एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें 400 सीसी की स्वार्ट पिलन और 200 सीसी के स्वार्ट पिलन के इंडियन लॉन्च के बारे में बताया था। सो गाइस, अभी ये 125 सीसी वाला भी इंडियन मार्केट में आने वाला है। सो गाइस, अभी मैं आपको स्पेसिफिकेशन के बारे में बताने वाला हूँ। सो वीडियो का स्टार्टिंग सेंड तक देखना मत भूलेगा। सो गाइस, अगर ये इंडियन मार्केट में आती है तो इसमें 125 सीसी का इंजन रहने वाला है और उसमें हमें DOHC का इंजन देखने को मिलने वाला है, और उसमें हमें 15 PS का पावर देखने को मिल सकता है और 12 Nm का टॉर्क देखने को मिलेगा। हालांकि ड्यूक से इसका पावर और टॉर्क थोड़ा बहुत ज़्यादा है, और इसी के साथ साथ इसमें हमें स्पॉक व्हील देखने को मिलेगा जो कि ड्यूबल पर्पस टायर्स उसमें दिए जाएंगे, और उसी के साथ साथ इसमें हमें सिंगल माउंटेड एग्जॉस्ट देखने को मिलेगा। हालांकि अभी जो KTM ड्यूक 125 है उसमें जो अंडरबेली एग्जॉस्ट है वैसा इसमें एग्जॉस्ट नहीं देखने को मिलेगा, इसमें हमें साइड माउंटेड एग्जॉस्ट देखने को मिलने वाला है। और अगर इसके LED लाइट की बात करूँ तो इसमें हमें फुल्ली LED लाइट देखने को मिलेगी, और साइड इंडिकेटर और टेल लैम्प है वो भी फुल्ली LED रहने वाले हैं, यानी कि प्रीमियमनेस तो इसमें रहने ही वाली है जो KTM भी मेंटेन करता है। तो इसमें हमें अगर कंसोल की बात करूँ तो वो भी फुल्ली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट कंसोल देखने को मिलेगा, जो अभी हस्क्वर्ना की 250 सीसी में देखने को मिलता है वैसा ही कंसोल इसमें भी होगा। और हाँ गाइस, इसके टैंक कैपेसिटी की बात करूँ तो इसका जो टैंक कैपेसिटी होगा वो 9.5 लीटर का होगा। हालांकि एवरेज तो इसका अच्छा ही रहने वाला है, क्योंकि 125 सीसी की बाइक होगी तो एवरेज अच्छा ही मिलेगा। सो ये टैंक जो है वो सफिशियंट है, और उसी के साथ साथ टैंक के ऊपर एक रैक भी दिया जाएगा जो 250 सीसी में हमको देखने को मिलता है, वैसा ही रैक इसकी टैंक पर भी देखने को मिलने वाला। और हाँ गाइस, इसके सीट की बात करूँ तो 835 mm का सीट हाइट देखने को मिलेगा। ये सीट हाइट 5 ft 5 in के हाइट राइडर के लिए थोड़ा बहुत मुश्किल ही देगी, लेकिन अगर उससे कम अगर हाइट रही तो ये बाइक को थोड़ा हैंडल करना बहुत ही मुश्किल रहेगा। अगर जिसकी हाइट 5.5 के ऊपर है तो उसके लिए ये बाइक थोड़ा इजी हैंडल हो पाएगी। इसमें गियरबॉक्स की बात करूँ तो इसमें 6 speed के गियरबॉक्स देखने को मिलेंगे, जो कि अभी KTM ड्यूक 125 में भी देखने को मिलते हैं। इसके सस्पेंशन की बात करूँ तो इसमें फ्रंट में USD का फॉक्स देखने को मिलेगा और रियर में मोनोशॉक देखने को मिलने वाला है। इसके ब्रेकिंग की बात करूँ तो इसमें हमें ड्यूअल डिस्क ब्रेक देखने को मिलेगी, फ्रंट व्हील और रियर व्हील दोनों में ही हमें डिस्क ब्रेक देखने को मिलेगा। और ABS की बात करूँ तो इसमें सिर्फ फ्रंट में ही हमें सिंगल चैनल ABS देखने को मिलेगा, लेकिन वो ABS स्विचेबल नहीं होगा, यानी कि इसको हम ऑफ नहीं कर सकते। और हाँ गाइस, अगर ये बाइक इंडियन में लॉन्च होती है तो इसका प्राइस कितना रहेगा? सो गाइस, अगर ये इंडिया में आती है तो इसका एक्स शोरूम प्राइस अराउंड 1,35,000 तक रहने वाला है। अगर इससे भी ज़्यादा रहा तो फिर मुझे नहीं लगता कि ये बाइक इतना सेल करेगी, तो देखते हैं अभी 1,35,000 तक आती है या नहीं। अगर उतने प्राइस तक आती है तो बहुत ही अच्छा रहेगा। और गाइस, अगर इसके कंपटीटर की बात करूँ, यानी कि इस प्राइस रेंज के कंपटीटर की बात करूँ, तो ड्यूक 125 इसका कंपटीटर रहेगा, और इसके साथ साथ बजाज की पल्सर NS160 है और उसकी 200 सीसी की बाइक वो इसी प्राइस रेंज में आती है, और MT की 15 यानी कि यामा MT 115 वो भी इसका कंपटीटर रहने वाली है, क्योंकि इसका प्राइस भी अराउंड 1,35,000 के आसपास ही होता है। सो अगर इंडियन लॉन्च की बात करूँ तो हो सकता है कि इसका लॉन्च 2022 में ही होगा, क्योंकि मुझे लगता नहीं है कि 2021 में इसका कोई लॉन्च होगा, और वैसा कोई रूमर्स भी नहीं आया कि 2021 में 125 सीसी की हस्क्वर्ना लॉन्च हो सकती है। सो वैसा ही एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 2022 तक इसका लॉन्च हो सकता है। सो गाइस, आप कमेंट करके बताएं कि आपको ये बाइक का लुक कैसा लगा, और ये बाइक का 125 सीसी का वेरिएंट इंडियन मार्केट में आना चाहिए या नहीं, और वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। सो वीडियो का स्टार्टिंग सेट तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।